आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए के झा क्लासेस पे। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की, जो कि थर्ड मेथड की बात करेंगे इस वीडियो में हम, कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हम दो मेथड कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, जो क्या है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सो दोस्तों, इस मेथड के भी दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये थर्ड मेथड के दो सब मेथड्स हैं, सब पार्ट्स हैं कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है फर्म की, वो निकालेंगे कैसे देखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें क्या था, NRR अपॉन 100 कर देते हैं, इसे पहले निकाल देते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, 100 ऊपर अपॉन में NRR, क्या है ना हमने यहाँ पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड इनटू 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। स्टेप थर्ड क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। दोस्तों नेट एसेट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो माइनस कर देंगे। इसमें से क्या करेंगे, नेट एसेट निकालेगा, फॉर्मूला क्या है, सभी एसेट में से जो लाइबिलिटीज़ है हमारी उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एसेट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टेप फोर, गुडविल का फॉर्मूला, क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है इसका, गुडविल का टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट वाला निकालते हैं, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, नेट एसेट्स को, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। इसका भी एग्जांपल करते हैं, छोटा सा एग्जांपल करते हैं, जिससे आपके माइंड में और भी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो एग्जांपल क्या था हमारा, ये फर्म अर्नड रुपीज़ 60,000 एज प्रॉफिट। सो हम प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है पहले से ही, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपये, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बींग 10%, जो NRR है यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है, उसकी परसेंटेज गिवन है हमें 10%। एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000, जो एसेट की फर्म की वैल्यू है वो कितनी है, 7,20,000, एंड लाइबिलिटीज़ आर 2,40,000, यानी जो 2,40,000 है वो क्या है, लाइबिलिटीज़ है हमारी। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इस मेथड से निकालना है हमारे गुडविल निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, क्या निकालते हैं, हम टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि हम इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है गिवन है। सो एवरेज प्रॉफिट ऊपर अपॉन में NRR, उसके परसेंटेज क्या थी उसकी, 10%, तो 10% 10 नीचे और परसेंट ऊपर, ठीक है। सो मैंने बताया था आपको, रिवर्स कर देंगे इसको, सो अपॉन 100। सो इससे क्या आ गया, हमारी टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 6,00,000 रुपये। उसके बाद नेट एसेट्स निकाल लेंगे हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। 7,20,000 गिवन था हमें, क्या था गिवन, एसेट, और लाइबिलिटीज कितनी थी, 2,40,000, दोनों को माइनस कर दिया हमने, क्या आ गया हमारा, 4,80,000 रुपये क्या आ गया, नेट एसेट की वैल्यू आ गई। फिर क्या निकालेंगे हम, थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे, गुडविल निकाल लेंगे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। क्या थी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी, 6,00,000 रुपये, और नेट एसेट कितना आया था हमारा, 4,80,000 रुपये। सो इसको दोनों को माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारा, 1,20,000, ये 1,20,000 क्या हमारा, गुडविल की वैल्यू है, ठीक है। आई होप आपको ये जो इसका फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। सो आते हैं अपने सेकंड उस पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट केस का, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या होती है, मतलब जितना भी फर्म में इन्वेस्टमेंट की गई है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है फर्म के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसमें एक ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम,
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो हमारा क्या जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, एन पी इजिकल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सो इंटू एन आर आर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अगर हम ये गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप फोर क्या है, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा क्या आ जाता है सुपर प्रॉफिट आ जाता है, यानी एसपी। उसके बाद स्टेप फिफ्थ, कैलकुलेट गुडविल। जब हमारा इतना कुछ आ गया तो हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे आराम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एन आर आर। इसको इस टाइम रिवर्स कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा गुडविल का आ जाएगा। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू आपके माइंड में और क्लियरिटी आ जाएगी, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। एग्जांपल देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ कितना है, 1.5 लाख रुपये। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख रुपीज़ एंड आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, 4 लाख रुपीज़। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10% है। जो एन आर आर है कितना गिवन है, 10% है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालेंगे, कैसे, टोटल टेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी गिवन है, एसेट कितनी गिवन थी 14 लाख्स, लाइबिलिटीज कितनी थी 4 लाख, तो हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गया, 10 लाख रुपये। अब निकालते हैं एन पी यानी नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर अपॉन 100। सो हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आया था, 10 लाख रुपीज़ आया था इंटू 10%। इसका 10% निकालेंगे क्या जाएगा, 1 लाख रुपये आ जाएगा। कितना आ गया, 1 लाख रुपये आ गया। अब क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमें गिवन है 1.5 लाख रुपये, ऊपर गिवन था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, ठीक है, गिवन था। एन पी निकाल लिया हमने 1 लाख रुपये, दोनों को माइनस किया, क्या क्या आ गया हमारा, 50,000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में एन आर आर इंटू 100। हमारा सुपर प्रॉफिट क्या आया, 50,000 इंटू 100। एन आर आर का रेट क्या है, 10%, देखा था हमने ऊपर कहाँ गया, ये रहा 10%, सो अपॉन में 10। इसको हमने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो क्या आया हमारा, 5 लाख रुपीज़। सो 5 लाख रुपीज़ क्या है हमारा, गुडविल है। किसका अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट है। आई होप आपको ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।